ये है कि ओरिजिनल जड़ से ये चीज बनी हुई है, ये सब चीजें। और हम ये माध्यम से बताना चाहते हैं कि पेड़ हमें बचाना चाहिए। इस बार के गणेश उत्सव में भगवान श्री गणेश की अनोखी प्रतिमाएं हमको देखने को मिल रही है, और इस वक्त हम भगवान श्री गणेश की एक ऐसी अनोखी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये जो गणेश की जो प्रतिमा है वो काफ़ी आकर्षक नज़र आ रही है। और ये जो भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है वो जंगल थीम पर तैयार की गई है। आप देखेंगे कि पंडाल भी बिल्कुल उसी तरह से तैयार किया गया है, और इस गणेश प्रतिमा को श्री एडवर्ड रोड गणेश उत्सव समिति ने तैयार किया है। अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब बताइए कि ये जो प्रतिमा है वो काफ़ी अनोखी नज़र आ रही है, तो ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मैम, हम सभी जो भी हम कार्यकर्ता लोग हैं, मोहल्ले के सब बैठते हैं, उन्होंने सब ने मिल के सोचा है ये चीज़ को। और हम ये माध्यम से बताना चाहते हैं कि पेड़ हमें बचाना चाहिए। और ये मूर्ति हमारी ये जनवरी से मतलब रेडी हो रही है। सुरेश प्रजापति हमारे हैं, महादेव घाट में बैठ मतलब उनका शॉप है, वहाँ पे ये बनी है ये। और बस यही माध्यम देना चाहते हैं कि पेड़ बचाओ, पंछी बचाओ, ज़्यादा पेड़ लगाओ, पक्षी बचाइए। बस इस प्रतिमा में क्या खास है? हम देख रहे हैं कि अलग तरह की प्रतिमा। ये है कि ओरिजिनल जड़ से ये चीज़ बनी हुई है, ये सब चीज़ें, और सभी पार्ट्स ओरिजिनल लगे हैं इसमें। ऐसा नहीं कि कोई भी डुप्लीकेट, मतलब पेड़ पौधे भले ओरिजिनल नहीं हैं, आजूबाजू भी ओरिजिनल है, बाकी ये जड़ वड़ से बनी हुई है। बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनाए हैं हमारे सुरेश प्रजापति ने। अच्छा, इस प्रतिमा में क्या संदेश छिपा है? इस प्रतिमा में यही संदेश छुपा है कि सबसे ज़्यादा पहले तो पेड़ लगाओ, और दूसरा चीज़ ये है कि जो इसमें डिज़ाइन जो अलग ही दिया गया वो अलग तरीके से दिया गया, जैसे पेट में जैसे पेड़ बने हुए हैं, जैसे हाथ में जो लड्डू है उसमें अर्थ का शेप बना हुआ, अर्थ बने हुए हैं, तो हम वही संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये जो प्रतिमा है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, और आप देख सकते हैं कि जंगल थीम पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा तैयार की गई है जो देखने में काफ़ी आकर्षक लग रही है। और इस प्रतिमा में ये संदेश छिपा है कि आप पेड़ लगाइए और पेड़ बचाइए, तो इसी संदेश के साथ इस प्रतिमा को जो है स्थापित किया गया है। और ये जो प्रतिमा है ये यहाँ स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरामैन रमाशंकर किशरवानी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC24 रायपुर।